हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पिंक व्हाट्सएप के अपडेट के बारे में। क्या है पिंक व्हाट्सएप, क्या आपको डाउनलोड करना चाहिए नहीं, और जो एपीके लोग शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि पिंक व्हाट्सएप को डाउनलोड करें, इसमें आपको काफी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सारी बातों को मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या है पिंक व्हाट्सएप। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत कुमार, आप देख रहे हैं मॉर्फिक पीसी नेटवर्क। चलिए आज की शानदार से वीडियो को शुरू करते हैं। हो सकता है आपके पास या आपके फ्रेंड्स के पास या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के पास ऐसी कोई एपीके की लिंक आई है जिसमें पिंक व्हाट्सएप को डाउनलोड करने की फाइल सेंड की गई है। इसमें आपको लोग कन्विंस करते हैं कि आप पिंक व्हाट्सएप को डाउनलोड कीजिए, इसमें आपको काफ़ी सारे न्यू एडेड फीचर देखने को मिलते हैं जो कि कम्प्लीटली फेक है। जब हम इस पिंक व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर आपको जो लोगो है व्हाट्सएप का वो पिंक दिखाई देता है, साथ ही साथ इसके अंदर का जो इंटरफेस है वो भी आपको कम्प्लीटली पिंक दिखाई देता है। जबकि नॉर्मल व्हाट्सएप जो ग्रीन व्हाट्सएप है उसमें आपको लोगो ग्रीन एट दिन अब जैसे ही व्हाट्सएप को अंदर खोलते हैं तो आपको ग्रीन इंटरफेस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको ओरिजिनल व्हाट्सएप में एक डार्क मोड भी देखने को मिलता है। लेकिन जब आप पिंक व्हाट्सएप की बात करते हैं तो इसमें आपको कम्प्लीटली पिंकिश इंटरफेस या पिंकिश थीम के ऊपर ये ऐप डेवलप किया गया है। मेरा आपसे सजेशन यही रहेगा कि आप ऐसे किसी भी लिंक से कोई भी एपीके डाउनलोड नहीं कीजिए। आपको एपीके हमेशा या तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहिए, साथ ही साथ या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके डेटा सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि जिस सर्वर पर ये पिंक व्हाट्सएप बनाया गया है उस सर्वर पर आपका डेटा जाकर सेव हो जाएगा, यानी कि आपका डेटा चोरी हो जाएगा और ये आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को डैमेज भी कर सकता है। जबकि दूसरी साइड बात करें, व्हाट्सएप के ऑफिशियल्स ने कोई भी पिंक व्हाट्सएप नाम का कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया है। आप चाहे इसकी वेबसाइट पर जाकर देख लें, व्हाट्सएप के ऑफिशियल वेबसाइट पर, चाहे आप प्ले स्टोर पर देख लें, आपको पिंक व्हाट्सएप नाम का ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये रहती है कि जब ऑफिशियल कंपनी ने ही पिंक व्हाट्सएप के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है तो ये ऐप लॉन्च कर कैसे दिया गया है। काफ़ी लोग कह रहे हैं भी ये बिल्कुल जो है नया ऐप है, अभी कंपनी अपडेट देना भूल गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी ने पिंक व्हाट्सएप नाम का कोई भी अपडेट नहीं दिया है। आपने काफ़ी टाइम पहले सुना होगा कि गोल्डन व्हाट्सएप नाम का एक ऐप यानी एक एपीके भी वायरल हुआ था, और बात करें पिंक व्हाट्सएप की, इसका यू एंड सैचुरेशन चेंज करके ये पिंक बना दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं फोटोशॉप की एडिटिंग से ये पिंक कर दिया गया है। हालांकि कम्प्लीटली फेक है, आपको सिर्फ ओरिजिनल ग्रीन व्हाट्सएप जो कि ऑफिशियल ऐप है या तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आप प्ले स्टोर से आके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पिंक व्हाट्सएप आप तक व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं शो किया गया है, यानी कि कम्प्लीटली फेक है। कंपनी ने ऐसा कोई भी एप्लीकेशन डेवलप नहीं किया है, ये आपकी डेटा को आपकी प्राइवेसी को डैमेज करता है, साथ ही साथ आपकी डेटा सिक्योरिटी को भी ये अपने सर्वर पर आके सेव करता है जिससे कि आपका डेटा और सिक्योरिटी चोरी हो जाती है। तो ऐसे किसी भी एपीके की लिंक आपके पास आती है तो उसे बिल्कुल शेयर ना कीजिए। ऐसे एपीके को कभी भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत कीजिएगा, आपको एट द एंड ग्रीन व्हाट्सएप ही यूज़ करना है। सो आज के इस वीडियो में कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको कोई भी ऐसे पिंक व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है। पिंक व्हाट्सएप ही क्या, कोई भी ऐसे ऐप जो कि आपको फॉरवर्डेड मैसेज के द्वारा मिलते हैं उनको कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर जो प्ले स्टोर होते हैं उनसे ही या फिर आपको डाउनलोड करना चाहिए। सो थैंक यू, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे स्ट्रांग।